तो आज हम बात करेंगे पिवट टेबल में स्लाइसर की, कि स्लाइसर का इस्तेमाल कैसे होता है एक्सेल के अंदर में, कि अगर आप स्लाइसर यूज करते हो तो स्लाइसर में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे हम एक डेटा लेते हैं, और स्लाइसर की जरूरत क्यों होती है पहले इस चीज को देख लीजिए। जैसे कि हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं एंड ओके किया, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें डिवाइस वाइज, नहीं डिवाइस वाइज नहीं, मुझे मान लीजिए कि नेम वाइज, हाँ नेम वाइज हमें टोटल लॉग काउंट एंड ड्यूरेशंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो जो मिला ओवरऑल मिला, तो हम लोग इसकी फिल्टर के लिए, जैसे मुझे डिवाइस वाइज देखना है, मुझे साइट वाइज देखना है, तो हम इसको फिल्टर में रखते हैं। फिल्टर में रखने के बाद हम यहाँ पे जैसे मोबाइल को सिलेक्ट कर लिए, तो मेरा रिपोर्ट पूरा मोबाइल के अकॉर्डिंग आ जाता है। अब यहाँ पे एडवांस एक्सेल सिलेक्ट किया तो एडवांस एक्सेल का आएगा, मैं अगर आईपीटी इंडिया सिलेक्ट करूँ तो ये हमारा आईपीटी इंडिया का आएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा आता है। अब प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जो फिल्टर लगा हुआ है, एक तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि मान लीजिए मैं साइट को हटा देता हूँ और मैं प्रोडक्ट को रखता हूँ, तो इसमें कौन से प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए एक्सेल पे डेटा है या नहीं है, वीवीए पे डेटा है या नहीं है, ये पता कैसे चलेगा। जब मुझे एक एक करके अप्लाई लगाना पड़ेगा, देखिए वीवीए में डेटा नहीं है तो पता चलेगा। पहली प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि हमें पता नहीं चलता है। दूसरी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा फिल्टर लगाने में भी थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ग्राफिकल नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मुझे दो पिवट है, मतलब कि मैंने एक और पिवट यहाँ से इसी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल डेटा पेस्ट हुआ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक और इसी डेटा पे एक और पीडीएफ, एक और पिवट, सॉरी एक और पिवट उसी सीट पे लगा दिया, मतलब कि दो तरह से रिपोर्ट मुझे चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे मैंने लॉग काउंट और यहाँ हम सिटी दे देते हैं। मान लीजिए कि मैंने अगर डिवाइस सेलेक्ट किया मोबाइल, तो सिर्फ मेरा ए पी बड़ी इफेक्टेड हो रहा है, ए पी बड़ी इफेक्टेड नहीं हो रहा है, मुझे इस पे अलग से भी फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो डैशबोर्ड में इस तरह की प्रॉब्लम कर सकती है। अगर रिपोर्ट बनाओ, अगर 5-6 पिवट आपने अलग अलग एंगल से लगा रखा है, तो 5-6 पे इस तरह से अलग अलग आपको करना पड़ेगा, तो एक प्रॉब्लम वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है स्लाइसर। तो चलिए हम स्लाइसर्स के बारे में समझाते हैं आपको। तो हम यहाँ से अपना हटा दिया, फिल्टर हटा दिया, रखने पे कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते भी हैं। उसके बाद हम पिवट टेबल एनालाइज में जाते हैं, यहाँ आपको इंसर्ट स्लाइसर मिलेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोडक्ट डिवाइस के बारे में, और भी ले सकते हैं, जैसे साइट भी ले लिया, टाइप भी ले लिया, ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद इसको जैसे नीचे ब्लैंक आ रहा है, तो मैं इसको खाली भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से खाली कर सकता हूँ। और यहाँ भी हमने दिया, इसको भी छोटा कर सकता हूँ, यहाँ भी जैसे बड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर सकते हैं, इसकी अपने हिसाब से एडजस्टिंग आप कर सकते हैं जहां आपको रखना है। मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब मैं देखिए यहां से मैं इसको कैंसिल करता हूँ। जैसे मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया, तो एक्सेल में देखिए मोबाइल है, न्यू ओल्ड भी, आईपीटी इंडिया, इसमें पीसी टैब और टीवी नहीं है, बात समझे। ऐसे मैं मोबाइल टैब में सेलेक्ट किया तो सिर्फ वीवीए है, मैं अगर न्यू पे सेलेक्ट किया तो सब कुछ है यहाँ पे, आईपीटी इंडिया क्लिक किया तो आईपीटी इंडिया, मतलब कि जो फिल्टर में नहीं होगा
वो आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जैसे क्लिक करूंगा मेरा पीवर्ड उसी तरह से जनरेट होगा। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम कि मान लीजिए कि मैं एक और पीवर्ड टेबल अलग अलग एंगल से एक से ज़्यादा, नॉट एक, एक से ज़्यादा लगाना चाहता हूँ। तो एक सीट पर हम एक और पीवर्ड यहाँ लगा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दूसरा पीवर्ड तभी लगाइएगा जब पहला पीवर्ड हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर पहला पीवर्ड आपका कंप्लीट नहीं है लगाया, तो फिर दूसरे पीवर्ड को ओवरराइड करेगा, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमने प्रोडक्ट को ए हो गया हमारा। उसके बाद इसमें हम आते हैं और मान लीजिए मैं यहां पे सिटी वाइज चाहिए हमको, तो हमने सिटी ले लिया। हमें यहाँ पे लॉक काउंट और ड्यूरेशन भी लेना चाहिए, तो वो भी हम ले लेते हैं। अब मुझे एक और पीवर्ड चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉपी पेस्ट करने से पीवर्ड आ जाता है, लेकिन पूरा पीवर्ड कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, एक कनेक्ट करने से नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लॉक काउंट रखता हूँ और मैं इसको हमने तीन अलग अलग पीवट हो गए। अब मैं चाहता हूँ एक पे क्लिक करो तो तीनों इफेक्टेड हो, तो ऐसे नहीं होगा। हर पीवट पे जाना होगा और यहाँ डिजाइन पे आना होगा, डिजाइन पे नहीं, डिजाइन मान लीजिए एनालाइज पे, एनालाइज पे आना होगा। यहाँ आपको दिखेगा फिल्टर कनेक्शन, जी हाँ फिल्टर कनेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए और तीनों को या चारों जो भी आपने रखा है उसको सिलेक्ट कर, और जितने भी पीवर्ड है उसमें आपको वन बाय वन हर पीवर्ड पे एक काम करना होगा। जी हाँ, हर पीवर्ड पे वन बाय वन एक काम करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो एक्सेल का आ गया, मैं ओल्ड सिलेक्ट करता हूँ ओल्ड आ गया। तो इस सब पीवर्ड टेबल आपका इफेक्टेड हो रहा है। अब दूसरा आता है कि आप यहीं पर रखें, जी नहीं, मान लीजिए इस पर आप चार्ट भी लगा सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट से भी लगा सकते हैं या फिर पीवर्ड टेबल एनालाइज पे जाके पीवर्ड चार्ट भी आप लगा सकते हैं। तो पीवर्ड चार्ट पे जैसे कि मैं गया और मैंने यहाँ पे एक चार्ट ले लिया और हमने इसको राइट क्लिक किया और चेंज सीरीज चार्ट टाइप और इसको हमने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसकी सेकेंडरी एक्सेस बनवा दी। मैं इसको कट करता हूँ और एक सम, मान लीजिए हमने एक समरी सीट बनाई हुई है, इस पे मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इस पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। वापस हम इस पे भी एक चार्ट लेते हैं, यहां से कट करता हूं। और फिर इस पिवट टेबल में हम वापस इस पे भी चार्ट लेते हैं, इसमें लाइन चार्ट कर लेता हूँ मैं, इसको कट किया समरी पे और इस पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने डेटा हमारा कहीं और है और चार्ट हमने कहीं और लगाया हुआ है। अब फिर वापस में जो भी स्लाइसर्स था उसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल या शिफ्ट से इसको आपस में सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको कट किया और समरी जहाँ मुझे चाहिए वहाँ पर मैंने इसको रख दिया। और आप पेज लेआउट में जाइए और यहाँ से ग्रिड लाइन हटा दीजिए। अब जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा मेरा चार्ट उस तरह से अपने आप को चेंज करता जाएगा। सर
में आ गया आपको स्लाइसर, राकेश जी गुड आउट स्लाइसर में। नहीं ठीक है सर। अब बात आती है कि स्लाइसर का इस्तेमाल क्या सिर्फ हम डेटा पे पिवट पे ही कर सकते हैं? जी नहीं, स्लाइसर का इस्तेमाल हम टेबल पे भी कर सकते हैं। तो डेटा को, आपका जो डेटा है उसको टेबल फॉर्मेट में आप एक बार, क्योंकि नॉर्मली मान लीजिए जिस पे आप फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर में दिक्कत होता है ना सर, यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट करना होता है। चलिए स्लाइसर की तरह मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ, मेरा डेटा फिल्टर हो जाए, तो उसको आप पिवट टेबल के बगल में ही टेबल होता है उस पर क्लिक कीजिए और इसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर आ गया। स्लाइसर में आप जिस जिस की कॉल फील्ड के अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगवाना चाहते हैं उस फील्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसको आप अरेंज कर दीजिए अपने हिसाब से। अभी जैसे स्लाइसर ऐसा है, आप चाहते हो से स्टाइलिश आए तो आप स्टाइलिश स्लाइसर भी ला सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, आप अपना स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है सर, अब जैसे मैंने यहाँ पे पूजा सेलेक्ट किया तो पूरा टेबल पूजा का हो गया। पूजा में मुझे आईपीटी इंडिया है, आईपीटी है ही, या फिर मैं पूजा में ओल्ड चाहता हूँ तो पूजा में ओल्ड का यहाँ पे आ गया। तो डेटा आपका उतना ही होगा जितना आपका स्लाइसर है। ठीक है सर, स्लाइसर से ही बड़े अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। अब स्लाइसर के बाद एक हमारा होता है टाइमलाइन। जैसे मान लीजिए आपको डेट वगैरह पे फिल्टर करना हो तो स्लाइसर्स में प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक एक डेट आता है। आप यहाँ पे टाइमलाइन का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ डेट पे अप्लीकेबल होता है। तो कुछ इस तरह से आपको आ जाएगा। मैं इसको कट करके समरी पे ले जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए आपके सामने स्लाइसर्स मंथ वाइज यहाँ पे आ गया डेट का। मान लीजिए मुझे यहाँ पे जुलाई का चाहिए तो यहाँ आपका जुलाई दिखेगा, जुलाई का डेटा दिखेगा। अगस्त आइए तो अगस्त का डेटा दिखेगा, सितंबर सितंबर का डेटा दिखेगा। लेकिन फिर कनेक्टेड तो नहीं है ना अभी, क्योंकि अभी इसी से कनेक्ट हुआ है ना। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, आप पिवट पे कर्सर रखें, फिल्टर कनेक्शंस, और यहाँ देखिए टाइमलाइन डेट जो है आपका अनचेक्ड था, हमने उसको चेक कर दिया। इस पिवट पे भी सेम हम गए और डेट पे चेक कर दिए। ओके, अब ये तीनों का तीनों फिल्टर कनेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ आपका। ओके सर, इसका यूज कर सकते हैं आप। मंथली नहीं करना है मुझे, क्वार्टरली करना है, डेज पे करना है, ईयर पे करना है, तो आप यहां से ग्रुपिंग को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है सर, जय कुमार जी को डाउट इसमें? सर एक चीज बताइए ना, इसको ऐसे एक्सेल में करके हम पावर पॉइंट और वर्ड में यूज कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, 100 का पीछे मतलब इसको लेके हम उसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दें नहीं, और नहीं हो पाएगा सर? नहीं मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि थ्योरी तो कहती है कि नहीं हो पाएगा। अच्छा थ्योरी का यही कहना है कि नहीं हो पाएगा। तो स्लाइसर्स और टाइमलाइन दोनों समझ में आ गया आपको? तो अब स्लाइसर का यूज करके एक आध डैशबोर्ड बना के मुझे भेजिए। ठीक है सर, स्लाइसर का यूज करके एक और डैशबोर्ड बनाइए और डैशबोर्ड बना के मुझे भेजिए, फिर हम आगे बात कर लेंगे। और कोई डाउट या क्वेश्चन है आप लोगों से तो पूछ सकते हैं। ये स्लाइसर में जब मल्टीपल मंथ सिलेक्शन कर सकते हैं क्या? मतलब मुझे मार्च के साथ में जून चाहिए, कंटिन्यूशन में नहीं चाहिए, जैन के साथ में दिसंबर चाहिए, अगर जैन और दिसंबर का डाटा चाहिए बस, नहीं सर फेब का नहीं चाहिए,
हाँ जी जेएम यहाँ के पे साथ दिक्कत में है ना, इस पे दिक्कत है, कंटिन्यूस ही सिलेक्ट होगा सर। आई मैंने चैलेंज फेस किया एक्चुअली इसमें कि ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ टाइम लाइन ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने डेट यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने डेट को ग्रुप कर दिया हुआ है, क्या करना है आपको इसके लिए, मान लीजिए कि मैंने डेट को उठाया और यहाँ पे रख दिया, ये ग्रुप हो गया, इसमें ओके से मंथ को ऊपर रख देते हैं और यहाँ ओके जी देते हैं, ये आपका मंथ वाइज आ गया। अब स्लाइसर ऐड करते समय जब स्लाइसर इन जाते हैं, इंसर्ट स्लाइसर, तो यहाँ पे देखिए मंथ आ गया, मंथ आ गया। जी अब यहाँ पे जो है आप कर सकते हो, एक स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। हाँ जैसे ओके कि मुझे यहाँ पे दो के एक ही कर सकते हैं ना, फिर इसके ऊपर आप कंट्रोल के साथ, हाँ कंट्रोल के साथ यहाँ 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 तो हो जाता है, स्लाइसर में तो हो जाता है सर, टाइम लाइनर में नहीं होता। टाइम लाइन नहीं होता, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम बात करेंगे पिवट टेबल में रिलेशनशिप के बारे में, कि मल्टीपल डेटा पे हम कैसे पिवट लगाएंगे, ये हमारी कल की टॉपिक है। और आपकी एक या दो क्लास और पिवट की रह गई है, उसके बाद फिर हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे।